मुश्किलों से कह दो, उलझे नहीं हमसे, हमें हर हालात में जीने का हुनर आता है। ये लाइनें कटिहार पुलिस पर चरितार्थ होती नजर आती हैं। बाढ़ ने इलाके में तबाही का ऐसा मंजर मचाया है कि नेशनल हाईवे 31 का कुर्सेला थाना पानी में डूब चुका है। थाने की फाइलों से लेकर पुलिस जवानों के बैरकों में खाने के बर्तन, गैस सिलेंडर पानी में बहते रहे, लेकिन विपरीत हालातों में तैनात पुलिस के जवान ऑन ड्यूटी तैनात हैं। ये दृश्य कटिहार के कुर्सेला थाना का है, जहां बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। इलाके की अधिकांश पंचायत सैलाब की जद में है। निचले इलाके की जमीनों पर लगी खेती, किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल नष्ट हो ही गई हैं। अब गंगा नदी के उफान से बड़े तादाद में आबादी प्रभावित हुई है। हालात ऐसे हैं कि नेशनल हाईवे 31 जो इलाके का सबसे ऊंची जगह मानी जाती थी, वहां कुर्सेला थाने में बाढ़ का पानी भराया है। पुलिस कर्मियों को काम निपटाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जरा आप भी सुनिए किस विपरीत हालातों में पुलिस के जवान ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कष्ट है और लोगों की मदद के लिए हम लोग 24 घंटा तत्पर खड़े रहते हैं। ये बाढ़ की पानी आई हुई है, हम लोगों के पास भी नहीं व्यवस्था बची हुई है जो कि हम लोग अपनी व्यवस्था को पूरा कर सके। बैरक में बैठने के लिए सिर्फ चौकी पर हम लोग बैठे हुए हैं। उसी हालात में हम लोग अपनी ड्यूटी भी कर रहे हैं। खाना पीना जो है किसी तरह मजबूरी से होटल उटल रोड उड में निकलते हैं तो खाना खा लेते हैं, लेकिन ड्यूटी तो आप ड्यूटी एकदम कंटिन्यू जारी रहता है। अपनी जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचा रहे हैं। बिल्कुल अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की जान को बचा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम हवलदार वली आजम। कहाँ पहुँचते हैं? ये कुर्सेला थाना में। तो पूरा डूबा हुआ है थाना मलखाना का, पूरा दृश्य डूबा हुआ है। हम लोगों के डेरा में भी छाती बराबर पानी है, सारा भीग गया, टोटल प्रदर्श भीग गया है। उसको किसी तरह से ईंटा उटा लगा लगा करके हम लोग ऊपर कर रहे हैं बचाने के लिए। थाने की क्या स्थिति है? थाने की स्थिति सो आप लोग देख ही रहे हैं, पूरा थाना सरिस्ता में पानी लगा हुआ है, थाना प्रभारी के चैम्बर में पूरा पानी लगा हुआ है। ऐसे में काम करना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। अब तो चौतरा पर वहाँ सामान रखा गया है, हम लोग निकाल निकाल कर रखे हैं। हम लोगों का सामान सब डेरे में उसी तरह से सब विनष्ट हो गया है, पानी में सब बह रहा है। इस परिस्थिति में भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं? जी सर, तो हम तो सरकार के नौकर हैं, तो हमको निभाना ही पड़ेगा, फर्ज निभाना ही पड़ेगा। आप लोगों के सेवक हैं तो फर्ज निभाना ही पड़ेगा। अपनी जान को जोखिम में डाल के दूसरे की जान को बचा रहे हैं? जी सर, हम लोग का जान भी चल जाए कोई बात नहीं है, हम लोगों को दूसरे का सेवा करना है, दूसरे को बचाना है सर। क्या नाम है? शिवनाथ हजरा। क्या है? सोनी ASI हैं, कुर्सेला थाना के, अभी मलखाना प्रभारी भी हैं सर। बाढ़ का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में तबाही, पलायन, परेशानी और हाहाकार की तस्वीरें जहन में आ जाती हैं और लोग किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंच अपनी जान बचाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन इस विपरीत हालातों में भी पुलिस के जवान ऑन ड्यूटी लोगों की सेवा में जुटे हैं। निश्चित इसे सराहनीय कहा जा सकता है। कटिहार से राजीव की रिपोर्ट।